हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के नए लेक्चर के बारे में। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेके। जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी फॉर्मूलास हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सभी हमने चीजें देख ली थी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डिफरेंट टाइप के ग्राफ, जितने भी पॉसिबल होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जब हमने ग्राफ बनाया था तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है ग्राफ बनाने के लिए? हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मूलास की, हमें रिक्वायरमेंट होती है रिलेशन की। जिन दो चीजों के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि उन दोनों को मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं। क्योंकि जब तक उनके बीच में मुझे रिलेशन पता नहीं होगा, मैं कोई भी इक्वेशन नहीं लगा सकता, वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, चाहे हाइपरबोला की इक्वेशन लगती हो, चाहे पैराबोला की। इन सभी इक्वेशन को इंप्लाई करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? जिनके बीच में ग्राफ बनने वाला है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए, राइट। तो वो रिलेशन हमें कहां से पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलास, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर में जितने भी हमारे पास फॉर्मूलास बनते हैं वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इन फॉर्मूलास को चेंज कर सकते हो, इन फॉर्मूलास को आप क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ नया इंप्लीमेंट करके एक फॉर्मूला को दूसरे फॉर्मूलास में कन्वर्ट कर सकते हो। और किस तरीके से कन्वर्जन करना है वो सभी चीजें मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट वीडियो में करवा दी थी। तो वीडियो नहीं देखी है या फिर इससे पहले की कोई भी केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको उन वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले रिलेशन को लेते हैं, रेट और कंसंट्रेशन को, राइट। मान लीजिए मुझे कहा जाए आपको ग्राफ प्लॉट करना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, आपको ग्राफ प्लॉट करना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों चीजों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा फॉर्मूला इन दोनों को रिलेट करता है। तो इन सभी में इकलौता ये ऐसा फॉर्मूला है जो कि रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिलेट कर रहा है, तो हम इसी को यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, राइट। तो मुझे यहां पर ग्राफ बनाना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, राइट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। अब देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। अब मैंने क्या कहा था आपको, हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में जनरली कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो होती है। तो लगा दीजिए हमारे पास y ये हो गया, m ये हो गया, x ये हो गया, प्लस में c, c हमारे पास क्या है, जीरो, C हमारे पास क्या है, जीरो। अगर आप इंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपको जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और ग्राफ के बीच में क्या रिजेम्बलेंस है, किस तरीके से यूज करते हैं आपको नहीं पता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जब मैंने ग्राफ बनवाए थे हर एक चीज को काफी डिटेल में काफी बारीकी के साथ करवाया था, तो एक बार जाके वो वीडियो देख सकते हो आप, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, राइट। तो देखिए वाई एक्सिस पे हमारे पास रेट है, तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर। एम, एम क्या होता है हमारे पास स्लोप, थोड़ा सा दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं तुम्हें आपको, M क्या होता है हमारे पास स्लोप, Y हमारे पास क्या होता है, जो Y कोऑर्डिनेट पे हम लेने वाले हैं, जो हम Y कोऑर्डिनेट पे चीज लेने वाले हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यहां पर Y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट हमारे पास Y कोऑर्डिनेट पे है, X कोऑर्डिनेट पे क्या है, कंसंट्रेशन। तो देखिए M X, X हमारे पास क्या है, जो X कोऑर्डिनेट पे लेने वाले हैं, और जो C होता है हमारे पास वो होता है Y इंटरसेप्ट, C होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट से क्या मतलब है कि जो लाइन हम बनाने वाले हैं, जो स्ट्रेट लाइन हम बनाने वाले हैं वो y एक्सिस पे कहां पे कट करेगी। तो देखिए y इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रेट लाइन होगी वो जीरो से यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं। तो यहां से हमारे पास लाइन स्टार्ट होगी और एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी पॉजिटिव साइड में, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए स्लोप मेरा नेगेटिव होता, y इंटरसेप्ट मेरे पास जीरो होता, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता, क्योंकि स्लोप तो हमारे पास नेगेटिव है और लाइन जीरो से स्टार्ट होने वाली है। मान लीजिए मेरे पास स्लोप नेगेटिव होता और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता मेरे पास, कुछ ना कुछ होती वैल्यूज की, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाता, उस टाइम पे कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता। लेकिन क्योंकि हमारे पास y इंटरसेप्ट तो क्या है, जीरो, तो लाइन शुरू होगी जीरो से और जो स्लोप है हमारे इस ग्राफ का वो पॉजिटिव है, क्योंकि k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, अगर नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ जाती, ठीक है। तो ये वाले मेरे पास क्या बनेगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ देखने को मिल जाएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास बनाते हैं, मान लीजिए मुझे कहा गया, एग्जामिनर ने कहा कि आपको, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपको ग्राफ बनाना है
LNA वर्सेस टाइम, आपको ग्राफ बनाना है LNA वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। दो बातें याद रखनी है, पहली बात तो क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेंशन होना चाहिए तभी यूज करोगी इन इक्वेशन को। सेकंड बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा रिलेशन ऐसा है जो LNA और टाइम को रिलेट कर रहा है। और तीसरी बात आपके जहन में ये होनी चाहिए कि भैया मुझे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज करना है अपने ग्राफ को बनाने के लिए, राइट। तो देखिए कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो कि LNA और टाइम के बीच में रिलेशन दे रही है। देखिए LNA और टाइम कुछ ऐसी, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, LNA और टाइम के बीच में रिलेशन क्रिएट करने वाली ये इक्वेशन है। आप कहोगे सर ये भी तो है LNA और के, बच्चों LNA by N होगा नहीं, ये LNA नहीं है, मुझे y एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ LNA चाहिए, a by a नॉट नहीं चाहिए मुझे। तो ये वाला रिलेशन मैं यूज नहीं करूंगा, मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो ये इसी में कन्वर्ट होने वाली है। अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो आप इसी को सोल्व करके इसमें कन्वर्ट करोगे। सोल्व करनी नहीं आ रही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें कैसे एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है वो चीज मैं सिखा चुका हूं, तो वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है LNA is equal to LNA not minus KT, ठीक है। ग्राफ बनाना है हमें LNA और टाइम के बीच में, तो यानी कि ये तो मेरे पास वाई है, टाइम मेरे पास एक्स हो जाएगा, और टाइम यानी कि एक्स एक्सिस के साथ हमेशा क्या रहता है मेरे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, स्लो। तो के क्या हो जाएगा मेरे पास एम, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा सी। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पहले एम एक्स आएगा उसके बाद ही सी आएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से चीजों को इक्वेट कर पा रहे हो, कितने अच्छे से किसी चीज को अप्रोच कर पा रहे हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मतलब यही होता है कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि पहले एम एक्स आएगा उसके बाद ही सी आएगा। आपको किस चीज को स्लोप का नाम देना है, किस चीज को एक्स कोऑर्डिनेट का नाम देना है, किसको वाई कोऑर्डिनेट का नाम देना है, वो आपके ग्राफ किसके बीच में बन रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी इक्वेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब देखिए हमें ग्राफ बनाना है यहाँ पे LNA एंड टाइम के बीच में, राइट। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। दूसरी बात क्या, मेरे पास y इंटरसेप्ट, देखिए अब की बात y इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, c की कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी कि अब की बात जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, कहीं ना कहीं इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो ये पॉइंट जहां पे कट होगा ये मुझे किसकी वैल्यू दे देगी, LNA नोट की वैल्यू दे देगी, ये मुझे किसकी वैल्यू देगी LNA नोट, जहां पे ये कट करेगा। तो आप ग्राफ की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, LNA नोट आराम से निकाल सकते हो, और LNA नोट को सोल्व करोगे तो आपकी चीजें काफी ज्यादा आसान हमें देखने को मिल जाएगी, राइट। अब देखिए अब ये ऊपर की तरफ जाएगा ये नीचे की तरफ जाएगा वो डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर। तो देखिए स्लोप कैसे आपकी बात माइनस की, स्लोप क्या है मेरे पास खाली के नहीं है, माइनस का के है, ठीक है। यानी कि स्लोप नेगेटिव है और नेगेटिव स्लोप में मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मेरा ग्राफ कैसे जाएगा नीचे की तरफ। तो LNA और टाइम के बीच में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास इस टाइप का ग्राफ बनेगा। मुझसे कोई कहे कि आपका स्लोप मान लीजिए, आपकी स्लोप की वैल्यू दे रखी है, आपकी स्लोप की वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 2 per second, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू दे रखी होगी माइनस के की, ये वैल्यू दे रखी होगी माइनस के की, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब LNA और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्लोप मेरे पास रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी माइनस रेट कांस्टेंट को, तो ये मेरे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी। तो इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। क्या पता है ग्राफ दे दिया जाए, कहा जाए कि आपने LNA और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, उसका स्लोप निकल के आया आपके पास मान लीजिए इतना स्लोप निकल के आया 2 per second, और मुझसे पूछा जाए बताओ टी हाफ क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो पर सेकंड यूज किया गया है, इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। LNA और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया है यानी कि ये इक्वेशन फॉलो होने वाली है, और इस इक्वेशन में जो स्लोप होता है वो माइनस के इक्वल होता है, यानी कि जो स्लोप दिया है 2 per second यानी कि किसकी वैल्यू है, माइनस के की वैल्यू है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 per second, है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 per second। टी आपका फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/k, के की वैल्यू हमारे पास आ गई है, पुट कर दो इसमें, आपके पास टी हाफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम चीजों को सोल्व आसानी से कर सकते हैं। आप ग्राफ की हेल्प से भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, वो आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से और किस हद तक गुजर सकता है आपको अपने टारगेट से पीछे रखने के लिए, राइट। तो ये हमारे पास था एक और ग्राफ। अब देखिए मान लीजिए सेम ग्राफ रखते हैं, मुझे कहा जाए LNA और टाइम के बीच में नहीं, अब की बार आप बनाओ
लोग ए और टाइम के बीच में ग्राफ, आपकी बार आपको क्या करना है एलएन की जगह क्या ले लेना है, लोग ए और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है आपकी बार, ठीक है। तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे, इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से कि मेरे पास क्या आ जाए, लोग आ जाए। एलएन को रिप्लेस करना है मुझे लोग से, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए लोग और एलएन में क्या रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है हमारे पास, जो एलएन होता है वो इक्वल होता है 2.303 लोग के। एलएन जो है वो इक्वल होता है 2.303 लोग के। तो मेरे पास इक्वेशन है एलएन ए इज इक्वल टू एलएन ए नॉट माइनस के टी। तो एलएन को क्या लिख सकता हूं मैं, 2.303 लोग, तो 2.303 लोग ए इज इक्वल टू 2.303 लोग ए नॉट माइनस के टी आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, खाली लोग ए चाहिए, मुझे 2.303 लोग ए नहीं चाहिए। तो क्या करूं, इस 2.303 को हटाने के लिए इधर ले जाता हूं मैं, क्या बन जाएगा, लोग ए इज इक्वल टू 2.303 लोग ए नॉट बाय 2.303 माइनस के टी बाय 2.303, राइट। तो यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा मेरे पास, लोग ए आ जाएगा, लोग ए नॉट माइनस के टी बाय 2.303, राइट। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैंने डिराइव कर लिया अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग, राइट। अब मुझे क्या करना है, लॉग ए और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखिए, लॉग ए और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करना पड़ेगा। ये तो हो गया वाई, जो टाइम है ये हो गया एक्स। तो मेरे पास के बाय 2.303 जो है ना, के बाय 2.303 है, ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा मेरे पास, m बन जाएगा आपकी बार। क्या चेंज आएगा, k by 2.303 स्लोप के इक्वल आएगा आपकी बार मेरे पास, और log a नो क्या है मेरे पास, y इंटरसेप्ट इज c। तो आपकी बार ग्राफ तो आएगा नीचे ही, क्या फर्क आया। फिर आप कहोगे सर log a और log a वर्सेस टाइम बनाया तब भी यही ग्राफ बना, ln a वर्सेस टाइम बनाया तब भी यही ग्राफ बना, फर्क क्या है। फर्क बच्चों ये है, जब हमने ln a वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया था, इसमें जो स्लोप था वो इक्वल था माइनस के के, वो इक्वल था माइनस के के। जबकि जब हमने log a वर्सेस टाइम बनाया ग्राफ, तो इसमें जो मेरे पास स्लोप आएगा m आएगा मेरे पास, वो इक्वल आएगा माइनस के बाय 2.303, यानी कि ये फैक्टर मेरे पास एक नया एड हो गया है। यानी कि इन दोनों ग्राफ में ग्राफ तो बेशक सेम दिख रहा हो, लेकिन जो स्लोप आएगा दोनों में वो अलग अलग है। कितने का फर्क है, 1/2.303 का फर्क आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ग्राफ था किस किस के बीच में, ये हमारे पास ग्राफ था लोग ए एंड टाइम के बीच में, ये हमारे पास ग्राफ था लोग ए एंड टाइम के बीच में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। मान लीजिए हमें कहा जाए टी हाफ और कंसेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाओ, हमें कहा जाए मान लीजिए टी हाफ एंड कंसेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो देखिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। हमें पता है टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय के। आप कहोगे सर इसमें तो ए है ही नहीं, कंसेंट्रेशन तो है ही नहीं, कैसे काम चलाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको यही तो बताया था, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है, यानी कि हाफ लाइफ जो है वो कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहती है। कितनी ही कंसेंट्रेशन में चेंज कर लूं, मेरी जो टाइम हाफ लाइफ है वो सेम रहने वाली है। इसलिए तो हमने क्या किया था कि मान लीजिए ए नोट से ए नोट बाय 2 जाने में 10 मिनट लग रही है, तो क्योंकि हाफ लाइफ मेरे पास कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ए नोट बाय 2 से ए नोट बाय 4 जाने में भी 10 मिनट लगेगी, A नोट बाय 4 से A नोट बाय 8 जाने में भी 10 मिनट लगेगी, एंड सो ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों के लिए ही करवाया था। ये वाला रूल तो खाली जीरो ऑर्डर के लिए लगेगा, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगेगा, जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और लग रहा था, राइट। लेकिन करवाया मैंने जीरो ऑर्डर में भी था आपको, राइट। हमें क्या बनाना है टी हाफ और ग्राफ बनाना है ए के बीच में। अब देखिए कंसंट्रेशन और टी हाफ का कोई रिलेशन ही नहीं है, हाफ लाइफ जीरो तो हो नहीं सकती, हाफ लाइफ जीरो तो हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होगी, हाफ लाइफ जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि किसी भी चीज को पहले अमाउंट से आधा होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो हाफ लाइफ जीरो तो हो नहीं सकती है, तो जीरो से तो स्टार्ट होगी नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड बात क्या है कि हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड भी नहीं करती, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कि मैं कंसेंट्रेशन को कितना भी बढ़ा लूं कितना भी घटा लूं, हाफ लाइफ मेरे पास एज इट इज रहने वाली है, सेम रहने वाली है,
कॉन्स्टेंट रहने वाली है, कोई भी इफेक्ट हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये हमारे पास ग्राफ था हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन के बीच में। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ आ जाए, मान लीजिए नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास आ जाइए, आ जाए हमारे पास मान लीजिए ln a by a not, ln a by a not versus time, ये कहा जाए बनाओ भाई ग्राफ ln a by a not versus time। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक ऐसी इक्वेशन जो कि इनके बीच में रिलेशन क्रिएट कर रही हो, और वो है ये वाली इक्वेशन, वो है ये वाली क्वेश्चन। देखिए ग्राफ कितने भी डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं, ग्राफ कितने भी डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं, ग्राफ के लिए कोई भी रिलेशन यूज किया जा सकता है, बशर्ते बात ये है आपको अप्रोच पता हो कि ग्राफ बनते कैसे हैं, आपको ये पता हो कि मुझे रिलेशन चाहिए होगा ग्राफ बनाने के लिए, आपको ये पता हो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक ग्राफ बनाने के बाद मेरे पास जो एक स्ट्रेट लाइन है वहां से मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, मेरा स्लोप मुझे क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है, मेरे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है ln a by a not is equal to minus kt, ln a by a not is equal to minus kt। तो देखिए ये तो मेरे पास y एक्सिस पे लेना ही है, टाइम मेरे पास हो जाएगा x, ये मेरे पास हो जाएगा स्लोप, प्लस में y इंटरसेप्ट क्या है जीरो। अब देखिए कुछ जरूरत है बताने की, आप खुद इतने समझदार हो कि आप खुद से आप एक ग्राफ बिना मेरे समझाए बना सकते हो, और ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, क्योंकि स्लोप मेरे पास नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट मेरे पास जीरो है, तो यहीं से ये स्टार्ट होना था। मान लीजिए मुझे कहा जाए नहीं भैया ऐसे मत करो, आप क्या करो ln a नोट बाई a और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ। हमने भी ग्राफ बनाया है ln a बाई a नोट वर्सेस टाइम, और ग्राफ कैसा आया, ग्राफ आया है कुछ इस टाइप का, है ना, ln a by a not versus time का। मुझे कहा जाए नहीं 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 मैं इसी में चेंज करना चाहता हूं, मैं ln a not by a versus time बनाना चाहता हूं, मैं ln a not by a versus time ग्राफ बनाना चाहता हूं। देखो मैं कोई भी बुक का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी बुक से यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने ऑन द स्पॉट सोचा अभी आपके सामने कि ln a not by a versus time ग्राफ बनाने के बना के देखूं मैं कैसा ग्राफ आएगा, क्या पता कुछ चेंज हो जाए। तो देखो कैसा होगा, मेरे पास जो रिलेशन है वो है ln a by a not और टाइम के बीच में, अगर मुझे ln a not by a करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मेरे पास रिलेशन क्या आएगा, ln a not by a जो है वो माइनस kt की जगह kt हो जाएगा, क्योंकि इनको मैंने रिवर्स किया तो इधर भी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये कह दीजिए इसमें माइनस साइन था, जब मैंने इसको रिवर्स किया इधर भी माइनस साइन आ जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी इच्छा है, आप किस तरीके से इसको समझना चाहते हो, राइट। अब देखिए ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया एम, और स्लोप मेरे पास सॉरी वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया जीरो। तो यहाँ पे मैं जब ग्राफ बनाऊंगा ln a not by a versus टाइम के बीच में, तो मेरे पास अब की बार शुरू तो होगा जीरो से, लेकिन क्योंकि मेरे पास स्लोप अब की बार पॉजिटिव है, ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, ये चला जाएगा मेरे पास ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए जितने भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ हैं वो सभी बना सकते हैं, वो आपके ही हाथ में है। आपको मैंने मेथड समझा दिया है, आपको मैंने ग्राफ बनवा दी है, आपको मैंने किस तरीके से अप्रोच करना है वो अप्रोच सिखा दी है, आपको मैंने ये बता दिया है कि कहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। मुझसे कहा जाए कि इसका स्लोप है, इसका स्लोप जो है मान लीजिए 2 per second है, बताइए स्लोप क्या दे रहा होगा मुझे, स्लोप क्या है, के इक्वल है, यानी कि मुझे एक तरीके से रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी 2 per second। तो यहां से मैं अपनी चीजों को निकाल सकता हूं, ग्राफ की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है केमिकल काइनेटिक्स में। देखिए अगर फिजिकल केमिस्ट्री के किसी चैप्टर में ग्राफ बन रहे हैं तो आपको उनको घोट के पी जाना है, क्योंकि वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, और एग्जामिनर उन्हीं ग्राफ की हेल्प से वो इंफॉर्मेशन निकलवा के आपको वो एक वैल्यूज में पुट करवाना चाहेगा, राइट। तो आई होप आपको जो वीडियोस है पसंद आई होगी, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स पे मुझे मैसेज कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और पहले की वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, राइट। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है कॉल पे, आई मीन कोई भी डाउट है, अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हो इतना कि मैं आपको मैसेज कर रिप्लाई करूं, क्योंकि थोड़े से मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं एंड मुझे और भी चीजों का थोड़ा सा रहता है काम,
तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपको नंबर जो है मेरे चैनल जैसा ही ओपन करोगे आप, ऊपर एक जो बॉक्स बना होगा जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी होगी, वहां पर आपको मेरा नंबर भी देखने को मिल जाएगा। वो नंबर हर टाइम एक्टिव रहता है, तो वहां पे जाके आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर को लेके। तो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा रियलिस्टिक एंड काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।